हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। उमा भारती ने कहा था कि नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता नहीं है और उन्हें सुनने की जगह लोग उन्हें समर्थन देने के लिए उनकी रैलियों में जाते हैं। आपको बता दें कि कल ही उमा भारती ने ये बात कही थी कि उनका समर्थन करने के लिए लोग जरूर उनकी रैलियों में जाते हैं, लेकिन अच्छे वक्ता नहीं है नरेंद्र मोदी। और उमा भारती आज भी अपने इस बयान पर कायम है। सुनने के लिए नहीं बल्कि उनके समर्थन में आते हैं। क्या इसमें क्या? यही सही, यही कहा। आज यहाँ उपस्थित सभी बहनें और भाई नरेंद्र मोदी जी के कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में दिया है, आज देश की जनता चाहती है कि वो पूरे देश में भी देखने के लिए ये दो बातें हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, मैं उनको मोटा भाई कहती रही हूँ, मैं उनको 73 से जानती हूँ, मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष, और उन्होंने गुजरात का विनाश किया। हम लोग एक नारा लगाया करते थे, आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, लेकिन अब नारा लगाइए कि नहीं, आप राज करो और हम आपके साथ हैं। जरा उठाइए मेरे साथ में हाथ, दोनों हाथ उठाइए, बांधिए अपने अपनी मुट्ठियां बांधिए। मोदी जी आप राज करो, मोदी जी आप राज करो। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है, वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहाँ घटी है। मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है, और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग उठ गए हैं और बीपीएल की जगह एपीएल लोग हो गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, और ये दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन 5 सालों में दुगना कर्ज डाल हुआ है। गुजरात के ऊपर जितना पहले ड्राफ्ट ओवर था वो ठीक दुगना हो गया है, तो विकास कहां हुआ? विनाश हुआ। इसलिए गुजरात हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जिसमें बिना रिश्वत लिए काम होता है। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार से काम नहीं होता है, ईमानदारी से टाइम पर पूरी की पूरी फाइल का काम हो जाता है, पूरा का पूरा काम हो जाता है। महिलाएं अगर किसी राज्य में सुरक्षित मानी गई हैं तो वो गुजरात में मानी गई। सुरक्षित हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों रह भी रहे तो नरेंद्र का काम हुआ। इसलिए ना हिंदुत्व ना रोटी, ना राम ना रोटी, गुजरात को दोनों ही नहीं मिली। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हें मोदी जी की कसम कमेंट जरूर करोगे। और हाँ दोस्तों, काम नहीं कारनामे बोलते हैं।